नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है अमृता लाइफ स्टाइल एंड फूड। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज जो है कुछ अलग बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी तो ये यहाँ पे चावल डाल चुके हैं और अभी जो बनाएंगे वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और करूँगी। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, वॉच करिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चलते हैं बनाने के लिए, क्योंकि जो बना रहे हैं उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए आराम से धीरे धीरे बनाना। आराम से कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बड़ा आराम है, मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, तो उसको थोड़ा टाइम दे के अच्छे से बनाया जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं, देखते हैं। आ गई हूँ मैं किचन में और ये ले लिया मैंने बेसन। और बेसन को चाल लेंगे, बेसन हो मैदा हो सूजी हो, पहले चाल लिया जाता है उसके बाद ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको चाल ले रही हूँ, चाल ले रही हूँ, छान ले रही हूँ कुछ भी। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि अभी ग्रेवी में भी नमक को जाना है। तो इसको मैं इसका बैटर बनाऊंगी, और बैटर बनाऊंगी बहुत पतला सा बैटर बनाऊंगी, बिल्कुल रनिंग वाला, थिक बैटर बिल्कुल नहीं बनता, मतलब गाढ़ा सा नहीं पेस्ट बनाना है इसका, एकदम पतला पेस्ट बनाना है। पतला पेस्ट इतना कि बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, क्योंकि बेसन है थोड़ी देर में फूल जाएगा और जब ये चढ़ेगा पे गैस पे तो ये गर्म से और ज़्यादा जल्दी फूल जाएगा, इसीलिए इसको पतला ही जो है इसको फेंटते हैं। और देखिए ये कितना पतला है, और इसको ये मैं थोड़ा सा और पतला करूँगी क्योंकि ये पतला रहेगा तभी फूल और जो है अच्छे से जो बेसन होता है ना वो फूल पाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, बिल्कुल थिक थिक जैसा हो जाएगा, गाढ़ा तो बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन जो है बढ़िया बनता नहीं है। तो इसको मैं जो है तुरंत, फिर मैंने गैस पे थोड़ा सा जो है कढ़ाई में हल्का सा तेल डाला है और तेल को फैला लिया है, और उसके बाद मैंने बैटर को उसमें डाल दिया। और बैटर को हम तब तक इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक खूब गाढ़ा सा ना हो जाए। देखिए थोड़ा समय इसलिए लगता है क्योंकि ये पतला होता है, और इसको पतला जो है उसको मैं गाढ़ा कर रही हूँ, खूब थिक सा करूँगी तो जमाने के लिए, तो खूब इसको चलाएंगे हम, और चलाते रहना है, अगर नहीं चलाया तो जो है इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो गुठलियाँ पड़ जाएगी तो बिल्कुल अच्छा लगेगा और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए मैंने ज़रा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है, थोड़ा ही सही किया, ज़्यादा नहीं क्योंकि ग्रेवी है तो उसमें भी हल्दी डालेंगे ही मसाले में, तो हल्का सा डाल लिया है। अब इसको इतना चलाना है और गैस को कम रखना है, नहीं तो फिर जो है वो जल जाएगा। और देखिए बहुत इसमें थोड़ा हार्ड हो जाता है, मेहनत लगती है चलाने में, तो इसको खूब चलाते रहना है, बिल्कुल गुठलियाँ ना पड़ने पाए, इसलिए मैं सारे काम से फ्री होने के बाद ही मैं इसको, सारे काम से क्या मतलब सुबह बच्चों को भेजने के बाद, और चावल भी मैं बना चुकी थी आपको दिखाया ही था मैंने, और आटा भी गूंथ के रख लिया था, उसके बाद तब मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन अच्छा ज़रूर लगता है। थोड़ा समय लगा तो क्या होता है, स्वाद बढ़ जाता है, और अगर सब्जी खाने से उब गए हों, दाल खाने से उब जाते हैं तो यही अच्छा लगता है। मेरे घर में सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, मतलब ये इतनी टेस्टी सब्जी बनती है ना, बिल्कुल जैसे पनीर की सब्जी भी इसके आगे फेल हो जाती है, बिल्कुल पनीर का स्वाद होगा, बिल्कुल पनीर जैसा। इसकी कटिंग भी मैं करूँगी तो आप देखिएगा कितना जो है बिल्कुल बर्फ़ी की डिज़ाइन का करें काटेंगे इसको, और बहुत अच्छा बनता है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है ना, तो अब मैं इसको प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, तेल लगा लिया है, और लगा के इसको फैला देंगे। गर्म है तो मैंने पहले हाथ से कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैं इसको जो है चम्मच से फैला ले रही हूँ, और इसको अच्छे से फैला लेना है, बिल्कुल पतला सा फैलाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, इतना जितना आप पसंद कर पाए, जितना अच्छा लगे देखने में, बस वैसे ही फैला लेंगे, और गर्म ही गर्म फैल पाएगा क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये तो वैसे ही जम जाना है। तो इसको धीरे धीरे इसको फैला लेते हैं, हल्का सा हाथ में पानी लगाते हैं और लगा लगा के इसको बस फैला लेते हैं। अब ये जब तक जो है अच्छे से ठंडा होता रहेगा तब तक सोच रही हूँ दूसरा कुछ कर लेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें टाइम लगेगा ही। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे तो इन सब बर्तनों को मैं हाथों हाथ माँज ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ,
क्योंकि जब तक वो ठंडा नहीं होगा तब तक कटिंग नहीं होगी उसकी। तो जब तक वो जो है वो ठंडा हो रहा है तो उसको जो है तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह जो दो चार सवेरे के चाय वगैरह के रहते हैं टिफिन बनाया था तो उसके दो चार लोग तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके धुल लेते हैं मार लेते हैं तो मम्मी लोग को आसान पड़ता है, बाद में इकट्ठे ढेर सारे नहीं होते हैं। और आप कहेंगे कि मैं और कोई है नहीं आपके घर में, तो भाई मेरे घर में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन जो है काम वगैरह तो जो है खुद ही करना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये तो सभी हम सभी औरतें ऐसे ही करते आ रहे हैं, ऐसे ही करते हैं कि बस जो है मौका मिलता है जो चीज़ किस कर लिखा तो बस अभी मैं सब्जी वगैरह जो है उसकी तैयारी करके रखी चुकी हूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको मैं किनारे कर दूँगी तो मेरा काम आसान रह जाएगा। करते करते ना फिर हम आदत भी पड़ जाती है, फिर अपने आप ही सब एडजस्ट हो जाता है। शुरू शुरू में लगता है कि कैसे है, बहुत ज़्यादा आपको मिलने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा समझती हूँ, मेरे सुबह से शुरू हुई तो मैं लगी रहूँ, बीच में बैठ भी जाती हूँ, पंखे रेस्ट कर लेती हूँ, पंखे की हवा लेने लगती हूँ, तो मतलब ऐसे ही घूमते घामते मैं काम करती रहती हूँ। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसकी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग बिल्कुल बर्फी की डिज़ाइन की होगी, बर्फी जैसा बनने वाली होगी। अब कह लीजिए कि ये बेसन की बर्फी की सब्जी समझ लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ इसे खड़ेरा बोलते हैं। खड़ेरा अगर आप हमारी तरफ आएंगे सुल्तानपुर यूपी जाएंगे तो यूपी में सुल्तानपुर वगैरह की तरफ आएंगे, जैसे हमारे उत्तर भारत में ये सब्जी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ इसको खड़ेरा बोलते हैं और मेरे यहाँ इसको जो है बर्फी की सब्जी बोलते हैं। तो भाई सबका चीज़ें वही होती हैं, आकार थोड़ा सा बदल जाता है, मसाले वही हैं तो कुछ नाम चेंज हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही जो है इसकी अब कटिंग अपने ऊपर है, आप चाहे चौकोर में काट लीजिए, चाहे आप तिकोने शेप में काटिए, चाहे आप उसको जो है क्या कहते हैं उसको ट्राइंगल में काटिए, ये अपने ऊपर करता है। और ये हैं इसके मसाले, थोड़े से खड़े गरम मसाले, प्याज लहसुन मिर्ची, और इन सबको मैं पीस लूँगी। और जो है इसमें तो गरम मसाला मैंने खड़ा ही लिया है, अभी सबको पीस लेते हैं क्योंकि अभी सामान आया है ना, तो मैंने उसको अभी पीसा नहीं है, मसाला बनाया नहीं है, तो अभी खड़े मसाले ही हैं तो उन सबको पीस लेंगे। लेकिन अब जो बर्फ़ी हमने काट के रखी थी ना, अब उसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई भी ना हल्के आँच पर करना है, बहुत तेज़ आँच पर नहीं करना है। एक बार तेल को हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे फिर एक एक करके डालते जाए, और किसी में कुछ डिप नहीं करना है, बस बर्फ़ी जो काटी थी उसको सीधे सीधे निकालते हैं और उसको हल्के आंच पे फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी हल्की बनती है, कितनी मतलब इसका एक टुकड़ा उठाएंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये कितना हल्का सा है। तो यही इसकी पहचान है, अगर भारी भारी सा है तो समझ लीजिए कि बेसन अभी पका ही नहीं था अंदर, और अगर एकदम हल्की हल्की सी बर्फ़ी निकलती है तो जानिए कि हाँ अच्छे से बेसन पक चुका है इसके अंदर जो है। और ये बर्फी देखिए बिल्कुल पनीर की स्लाइसेस है ना बिल्कुल, और ये सब्जी बिल्कुल पनीर को टक्कर देने वाली सब्जी बनती है। और तो हमारे यहाँ क्या हमारे पूरे इस एरिया में तो हमारे सुल्तानपुर में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। मैं बार बार सुल्तानपुर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दो जगहों से जो है बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए और जो मसाले हमने जो पीसे थे ना उन सब मसालों का मैं भून लूँगी। थोड़ा सा इसमें हींग ज़रूर डालिएगा और जीरा ज़रूर डालिएगा, वो बहुत ज़रूरी है और वो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत लोग मेथी डालते हैं लेकिन मैं मेथी नहीं डालती, बेसन की सब्ज़ी है तो उसमें ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मसाले जितने भी पीसे थे उन सब मसालों की मैं अच्छे से भून लूँगी, और मसाले जैसे हमेशा भूनते हैं हल्की आँच पर, और जब तक मसाले तेल नहीं छोड़ देते हैं तब तक उसको भूनते ही रहते हैं, तो उस तरीके से। और उसके बाद जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट, उसमें से स्मेल आने लगेगी, तब उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं। और ये पानी भी सिंपल पानी है, इसमें कुछ ये नहीं है कि बेसन ऐड है या मट्ठा ऐड है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पानी रहता है। और ग्रेवी अपने मन के ऊपर है, पतली गाढ़ी जैसी इच्छा हो वैसे बनाइए, लेकिन थोड़ा पतला बनाइएगा क्योंकि जब ग्रेवी अच्छे से पकती है ना, पकने के बाद तो वो अपने जब इसमें जाएगा ये स्लाइसेस जो हैं ये टुकड़े जब जाएंगे ना तो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार है ना, शाही पनीर के जैसे, तो बिल्कुल शाही पनीर को भी टक्कर देती है ये सब्जी। अब सब्जी वगैरह बन गई, मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट ले लेके आराम आराम से काम करती हूँ, तो मेरा मन कर रहा था चाय पीने का,
तो मैं चाय लेकर बैठ गई हूँ आराम से पीने के लिए। और ये लास्ट में वजन मतलब मैं ही बची थी पीने के लिए, लास्ट वाली चाय रखी थी तो मैंने उसको गर्म कर लिया और गर्म करके आराम से बैठ गई। फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी, फिर रूम का काम करूँगी। तो भाई मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मैं एक ही जगह एक लगातार नहीं भी काम करती हूँ, जैसे धीरे धीरे आराम से करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय भी है थोड़ा सा चाय पी ले थोड़ी देर बैठ के। चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम अपने दूसरे कामों में लग गए थे, तो दूसरे काम पूरे कंप्लीट करने के बाद मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। और आप देखो पूरा घर एकदम साफ़ हो गया है, एकदम चमकदार हो चुका है, पर्दे वगैरह सब सही कर दिए हैं, बिल्कुल काम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अमृता लाइफ स्टाइल एंड फूड। और अभी सारे काम वगैरह सब निपट चुके हैं और सब होने के बाद जो है काम वगैरह सब पूरे हो गए, अब थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लें। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए नए मेरा वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला जो बटन है ना उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कुछ भी मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगा तुरंत से वो, और तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई बहुत मेहनत लगती है करने में और हम लोग हैं बिगनर्स, नए नए शुरुआत हैं, और इसलिए हमें हम रोज़ वीडियो डालते हैं, रोज़ एडिट करते हैं, रोज़ जो है वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और जो है बस आप लोगों के लिए तक पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को भी थोड़ा सफल कर दीजिए और जो है हमारे वीडियोज़ को पसंद करिए, थोड़ा उसको सब्सक्राइब करिए बस। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर बुरा लगा हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ उसको जो है बताइएगा। मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए बाय।